हाय फ्रेंड्स, रोलर सेटिंग के बारे में वीडियो डालो कुछ बोले थे, मैं अभी बता रहा हूँ। ये जो पेपर है पीएस प्लेट में जो आने वाला पेपर है, बटर पेपर है, ये जो पेपर है इतना ही विड्थ रहना, विड्थ 15 से 16 एमएम रहना विड्थ। ये ऐसा लेके ये ऐसा रख लो। ये रोलर है, साइड से नहीं आना चाहिए, एकदम मारस करके इसको पेपर ऐसा डाल के रखो। उसके बाद देखो, ये जो पेपर सेटिंग है इसको खींच के देखने में ऐसा खींचना नहीं। ये देखो, ये रोलर में फिंगर रखना, फिंगर रखे लोड देके इसको दो फिंगर से खींचना है, नहीं तो फिंगर इसमें लगा लो रोलर में, रोलर में लगा के देखो, दो फिंगर से खींचना है। लोड इसी पे या इसी पे लोड रहना चाहिए, जब भी लोड बताएगा ऐसा पकड़ के खींचना नहीं है। ये ऐसा ले लिया, इसको रोलर पे कॉपर रोल में हाथ लगाया, उसके बाद इसको दोनों फिंगर से खींच रहा। देखो, ये रबर रोल में लगा लो या ऐसे मैंने लगा दिया, पहले लगा के पेपर पकड़ा, इसको लोड के ऊपर इसको खींच के देखना। ये देखो, पेपर भी नहीं पढ़ना, पेपर भी इजी आना चाहिए। ये देखो, बस उतना ही। इसके लिए एक मीटर आता है, वो मीटर बहुत कास्ट पड़ेगा। आज लेटेस्ट में 4 mm 3 mm रखने के लिए पेपर स्टिपर मीटर आता है, वो बहुत कास्ट पड़ता है। अपन सिर्फ ये पेपर पीएस प्लेट का जो अंदर आता है पेपर से आप चेक कर लो कैसा है। पेपर पढ़ना नहीं चाहिए, फ्री नहीं आना चाहिए। ऐसा आप रखोगे 4 to 5 mm आएगा। कंपनी वाला बोल रहा है 3 mm रखो, और कापर टू कापर 4 mm रखो, और प्लेट के नीचे से 4.5 या 5 mm रखो बोल रहा है। ये नया मशीन के लिए सेट रहेगा। अपन क्या करना, रोल टू रोल 5 mm रखना, प्लेट भी 5 mm रखना, आगे वाला टच होने वाला भी 5 mm रखना। आप तीनों इन्हें टोटल कनेक्टर पूरा डिस्ट्रीब्यूटर है या फार्म है 5 mm रखिए। जरूरत पड़ेगा तो प्लेट में 6 mm भी रख सकता है, ये ब्रैकेट का प्ले रहेगा, उसके हिसाब से आप सेट कर लेना। मगर एक याद रखना, कापर के साथ ये जो रबर रोलर है सेकिंग नहीं आना चाहिए, ये फिक्स रहना। कभी क्या होता है, ये जो बेरिंग आपने लगाते हैं, ये बेरिंग वो निकाल के प्ले रहेगा तो उसको निकाल के एक सर्कल बीच में डाल देना, डाल के इसके अंदर डाल के टाइट कर देना, बस आप।